स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एओसीए क्लासेस बाय डॉक्टर शालिनी उपाध्याय। आज का जो टॉपिक है वो है रोजन मुंड रिडक्शन। ये टॉपिक हम लास्ट टाइम भी बनाए थे, बट उस टाइम पे हमने इसका इंग्लिश वर्जन टोटल हमने इंग्लिश में उसको डिक्टेट किया था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी और काफ़ी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था, ईमेल भी किया था कि मैम आप इसको हिंदी में बनाइए। तो उनके डिमांड पे सेम टॉपिक को हम हिंदी में बना रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम हम हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करें और हमारे हिंदी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में आए, और हम ये आशा करते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे घर में और ठीक होंगे और COVID-19 के सभी रूल और रेगुलेशन का पालन कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रोजन मुंड रिडक्शन। तो रोजन मुंड रिडक्शन में मेन क्या है, एक तो ये रिडक्शन है। किस टाइप का रिडक्शन है? ये पार्शियल रिडक्शन है। इसको पार्शियल क्यों कहते हैं आज हम ये बताएंगे। और रोजन मुंड में जो कैटलिस्ट यूज होता है उसको लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। ये काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, उसकी बात करेंगे, और ये कैटलिस्ट कैसे एक्ट करता है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रोजन मुंड रिडक्शन रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। देखिए, जो इसमें मेटल होता है इस कैटलिस्ट में वो होता है पैलेडियम। तो ये आपका रिएक्शन है। स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो क्या है आपका, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का क्या मतलब है, आपको पता है एसिड क्लोराइड होता है COCl, ठीक है। यहाँ R COCl लिए हैं। जो ये आपका R है वो आप अल्किल भी ले सकते हैं, मिथाइल इथाइल, और ये R आप एरोमेटिक रिंग भी ले सकते हैं, मीन्स बेंजीन भी ले सकते हैं। अगर हम बेंजीन लेंगे तो बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा, और अगर हम CH3 लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड, मतलब ये CH3 और ये CH2, ये आपका हो जाएगा इथेनोइल क्लोराइड, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिड क्लोराइड चेंज होता है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में चेंज होता है किसके प्रेजेंस में, H2PDBaSO4। ये आपका कहलाता है लिंडलार कैटलिस्ट, और कई जगह आप देखेंगे इसको ये भी लिखा रहता है रोजन मुंड कैटलिस्ट। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे पूछता है। और यहाँ मेन चेंजेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे Cl आपका हट करके आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन आपको Cl को रिप्लेस कर रहा है, और ये H2 गैस है तो एक H आपका यहाँ आ रहा है Cl को रिप्लेस कर रहा है, और जो सेकेंड हाइड्रोजन में जो H है वो HCl के फॉर्म में रिमूव हो रहा है, ठीक है, यहाँ एलिमिनेट हो रहा है। तो सी आपका यहाँ कैटलिस्ट क्या है, H2PDBaSO4। और कई जगह BaSO4 को आप देखेंगे BaSO4/S लिखा होता है, वो सल्फर होता है और इसको पॉइजन की तरह यहाँ ऐड करता है, तो इसको सल्फर के साथ मिक्स करते हैं, लॉट्स ऑफ सल्फर इसके साथ ऐड करते हैं। तो आपको BaSO4 लिखा हो या कॉमा या ऑब्लिक करके सल्फर भी लिखा हो तो आप दोनों कंसिडर करेंगे रोजन मुंड कैटलिस्ट की तरह, लिंडलार कैटलिस्ट की तरह। तो यहाँ मेन इसको मैंने आपको बताया कि पार्शियल कहते हैं, पार्शियल रिडक्शन। तो पार्शियल रिडक्शन क्यों कहते हैं, पार्शियल रिडक्शन इसलिए कहते हैं कि अगर सिर्फ हम H2PD लेंगे तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड नहीं बनेगा, मीन CHO नहीं बनेगा, वो फाइनली बनेगा आपका अल्कोहल, मीन्स ये जो CHO है, ये जो C डबल बॉन्ड है CH2 में कन्वर्ट होगा CH2OH, ठीक है, एक H आएगा यहाँ पे OPH आएगा, तो ये एक स्टेप और रिडक्शन हो जाएगा। तो क्या रीज़न है कि ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है, ये एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का बनना ही कहलाता है आपका रोजन मुंड रिएक्शन, ठीक है। अगर अल्कोहल बना देंगे तो ये नेम रिएक्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम जो रोजन मुंड रिएक्शन पढ़ते हैं वो हम एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए भी पढ़ते हैं, मीन्स मेनली इसमें हम बात करते हैं एल्डिहाइड प्रिपेयर होता है, ठीक है, हम एल्डिहाइड को बनाते हैं। तो ये कैसे यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, अल्कोहल नहीं बन पाता है, इसी के लिए यूज करते हैं BaSO4। यहाँ मैकेनिज्म क्या है, देखिए आपका जो यहाँ मेटल लिया गया है कैटलिस्ट, ये है पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम का जो सरफेस होता है वो पोरस होता है, ठीक है, पोरस समझ रहे, छिद्रयुक्त होता है, पोरस होता है। हाइड्रोजन गैस उस पर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जब उस पर एब्जॉर्ब होती है और फिर वो रिएक्शन करती है किसके साथ, इस Cl के साथ, एक आपका HCl निकल जाता है और एक आपका क्या होता है, एक H इसके यहाँ पे रिप्लेस होकर यहाँ आ जाता है, ठीक है। BaSO4 अगर हम नहीं लेंगे तो टोटल जो आपका पैलेडियम का सरफेस है, जो पोरस है, छिद्रयुक्त है, उसमें सारे हाइड्रोजन जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बट और जितने ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे उतने ज़्यादा रिएक्शन के लिए अवेलेबल होंगे, उतने ज़्यादा आप वो रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन काफ़ी फास्ट होगा और फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल पे जाकर रुकेगा, ठीक है। बट
अगर हम BSO4 लेंगे तो ये क्या करता है, इस रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। कैसे करता है ये स्लो डाउन, जो PD है PD के सरफेस पे जाके BSO4 एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे अगर किसी जैसे हाइड्रोजन के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे कहीं पे आप गए, जैसे हाइड्रोजन कोई एक मान लीजिए पर्सन है और वो गया, अगर 10 सीट्स हैं, ठीक है, काफी लोग गए और 10 लोग गए, 10 सीट है, 10 लोग बैठ गए, तो वो 10 के 10 लोग बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर वो आगे फर्दर वो अवेलेबल है बाकी दूसरे काम पे, जो मान लीजिए उनको आगे कोई काम में जाना, जैसे यहाँ पे रिएक्शन करना है, ठीक है, Cl के साथ, आप समझ गए, तो 10 सीट है, 10 लोग बैठ गए। मगर आप एक्स्ट्रा किसी और को लेते आएंगे, अगर 10 बॉयज हैं, 10 बॉयज 10 सीट पे बैठ गए और उनको आगे किसी वर्क के लिए जाना है, और आप गर्ल्स लेते हैं और 5 सीट गर्ल्स कवर कर लें, तो 10 ही सीट है, तो 5 सीट ही आपकी किसके लिए बचेगी, बॉयज के लिए बचेगी। सेम थिंग हियर, जैसे कि पीडी है, पीडी का जो सरफेस है वो अगर BSO4 डालने से इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, और काफ़ी जो जितना स्पेस का हाइड्रोजन के लिए अवेलेबल होना था उससे लेस अवेलेबल होता है, मीन्स आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो कम मात्रा में, कम अमाउंट में एब्जॉर्ब हो पाती है। तो अगर कम होती है तो वो आगे रिएक्शन के लिए भी कम अवेलेबल होगी, इसीलिए जो रिएक्शन है ये यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। मीन्स कहाँ, एल्डिहाइड बन के ये रिएक्शन यहीं पे बंद हो जाता है, और इस रिएक्शन को कहते हैं रोजन मुंड रिडक्शन, ठीक है, या रोजन मुंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम BASO4 नहीं लेते तो क्या होता, आते हैं उसकी बात करते हैं आगे। ये एसिड क्लोराइड है, सेम अगर आप CH3 लेंगे तो इथेनॉल क्लोराइड बनेगा, बेंजीन लेंगे तो बेंजोइल क्लोराइड होगा, ठीक है। इससे H2PD लिया, यहाँ BSO4 हमने नहीं लिया है, तो आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। मीन्स अगर CH3 है तो आपका यहाँ बन जाएगा इथेनॉल, और अगर आपका बेंजीन है तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, और HCl तो रिमूव होगा ही साथ में। अब ये अगर आप BSO4 नहीं लिए हैं, इस एल्डिहाइड से देखिए H2PD की प्रेजेंस में जो यहाँ पे था वो पूरे सिस्टम में ही है, तो H2PD पूरे सिस्टम मीन्स जहाँ रिएक्शन कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स इस सिस्टम में, ठीक है। तो H2PD की प्रेजेंस में आपका क्या बन गया, RCH2OH, मीन्स ये जो C डबल बॉन्ड O था वो फर्दर रिड्यूस हो गया अल्कोहल में, OH इज द अल्कोहल, OH आपका अल्कोहल है, ठीक है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है, H मतलब एडिशन ऑफ H रिडक्शन कहलाता है, तो डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, तो रिएक्शन यहाँ पे आके रुकता है। अगर आप BSO4 नहीं लेंगे तो ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप होगा, मीन्स एसिड क्लोराइड से क्या आपका बनेगा, अल्कोहल बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, और फिर आप इसको रोजन मोड रिडक्शन रिएक्शन नहीं कंसिडर कर सकते। इसीलिए H2PD BSO4 S या सिर्फ BSO4 भी लिखा हो H2PD के साथ, ये आपका क्या कहलाता है, रोजन मुंड कैटलिस्ट या लिंडलार कैटलिस्ट। तो हमने आपको ये समझा दिया, अब हम क्विक बात करते हैं इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे आप उनका आंसर करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ITJEE में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, नीट में, एम्स में, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है स्टार्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है, रोजन मुंड रिडक्शन तो आपको पता है ये रिडक्शन है, रिडक्शन क्यों कहते हैं, रिडक्शन इसको इसलिए कहते हैं कि आपका जो है ये COCl कन्वर्ट होता है इसमें CHO में से एक H ऐड होता है, ठीक। इसके कैटलिस्ट का नाम क्या है, इसके कैटलिस्ट को कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट या रोजन मुंड कैटलिस्ट। क्या है उसका सिंबल, क्या है केमिकल फॉर्मूला, क्या है उसका, H2PD/BSO4 या आपका H2PD/BSO4/सल्फर भी लिखा रहा है, तो वो भी आप कंसीडर करेंगे, सेम थिंग, मींस रोजन मुंड रिडक्शन रिएक्शन है, या तो वो मतलब रोजन मुंड कैटलिस्ट है और वो लिंडलार कैटलिस्ट है, ठीक है। दोनों मतलब दोनों कैटलिस्ट मीन्स की लिंडलार कैटलिस्ट को रोजन मुंड कैटलिस्ट कहते हैं, तो ये अगर आपका लिखा रहा है तो भी वो वही है, अगर यहाँ ऑब्लिक करके सल्फर भी आगे ऐड रहेगा तो भी आपका वो लिंडलार कैटलिस्ट है। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है रोजन मुंड में, आपका एल्डिहाइड होता है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। किस आपके एसिड का रिमूवल होता है, HCl बनता है। इसमें रिएक्शन क्या मैकेनिज्म है, पैरिडियम किस टाइप का है, पैरिडियम का नेचर क्या है, पैरिडियम आपका पोरस होता है। पॉइजन कौन एक्ट करता है एज अ पॉइजन, मतलब इसको स्लो डाउन कौन करता है, BASO4 आपका या BASO4/S या -S ये आपका एक्ट करता है, कैसे, ये आपका एक्ट करता है एज अ पॉइजन इसको स्लो डाउन करने के लिए, ठीक है। अगर हम BASO4 ना लें तो क्या होगा, अगर हम BASO4 ना लें तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है।
एल्डिहाइड प्रिपरेशन की आप एक रिएक्शन बताइए, तो एल्डिहाइड प्रिपरेशन की एक रिएक्शन आपकी है रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये आपको पता ही एल्डिहाइड प्रिपरेशन में यूज होता है। ये सब क्वेरीज हैं, ये आपके मैकेनिज्म का भी मैंने आपको बता दिया, पीडी कैसा पोरस है, एस टू पे अब्जॉर्व होता है, BSO4 आने से BSO4 पे अब्जॉर्व हो जाता है, क्या प्रक्रिया है, क्या आपका रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, सब हमने आपको डिस्कस कर लिया। किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, पार्शियल रिडक्शन क्यों कहते हैं, पार्शियल रिडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे BSO4 यूज करते हैं और ये एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, इसलिए पार्शियल कहते हैं। अगर फुल्ली करते तो अल्कोहल बनता, फिर अल्कोहल भी आपका चेंज होता आगे जाके CH3 में, मगर ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, इसलिए इसको पार्शियल कहते हैं। तो हमने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए स्टूडेंट्स। जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रोजनमुंड से रिलेटेड वो हमने आपको डिस्कस कर लिए। आपको कहीं भी COCl दिखे और ये आपको कैटलिस्ट दिखे, तुरंत आपको आंख बंद करके आपको क्या बना देना है, CHO बना देना है प्लस HCl, ठीक है। और अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया कि अगर हम BSO4 नहीं लेंगे तो आपका यहाँ पे OH आएगा, और आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी हो। मैंने इस सेशन को पूरा हिंदी में ही कवर किया है आपके इजी के लिए, आपके डिमांड पे फिर से मैंने सेम टाइटल पे वीडियो बनाई है। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है कि इंग्लिश का हमने हिंदी में कन्वर्ट करके आपके डिमांड पे मैंने, आपके रिक्वेस्ट पे मैंने ये बनाया है। आपको अगर मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मोर वीडियोस किसी भी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करिए। अब बेल आइकन से ये है कि जो फर्दर वीडियोस हमारे आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप घर में अच्छे से रहिए, स्टे सेफ स्टे इन होम।